नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइव सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइव वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू ट्रेवलिंग। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों ट्रैवलिंग से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आम तौर पर बोलते हैं, जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मुझे यात्रा करना पसंद है, यह मेरा पसंदीदा शौक है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों अगर आपको कहना हो क्या आप अकेले यात्रा करना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल क्या है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आप कभी विदेश गए हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा मुझे यात्रा करना पसंद है, तो मुझे की इंग्लिश होगी आई। मुझे पसंद है आई लाइक टू, क्या पसंद है? यात्रा करना। सो दोस्तों यात्रा करने को हम कहेंगे ट्रेवल। मुझे यात्रा करना पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक टू ट्रेवल। सो दोस्तों आई यानी मुझे, लाइक यानी पसंद है, टू ट्रेवल यानी यात्रा करना। मुझे यात्रा करना पसंद है, आई लाइक टू ट्रेवल, कॉमा यह मेरा पसंदीदा शौक है, तो आप कहेंगे इट इज माय फेवरेट हॉबी। यह मेरा पसंदीदा शौक है, तो आप कहेंगे इट इज माय फेवरेट हॉबी। सो दोस्तों इट का मीन्स होता है यह, माय यानी मेरा, पसंदीदा को आप कहेंगे फेवरेट, हॉबी यानी शौक, और है को हम कहेंगे इज। यह मेरा पसंदीदा शौक है, तो आप कहेंगे इट इज माय फेवरेट हॉबी। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा क्या आप अकेले यात्रा करना पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे डू यू प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। डू यू प्रीफर यानी क्या आप पसंद करते हैं ट्रेवलिंग, क्या आप यात्रा करना पसंद करते हो, तो आप कहेंगे डू यू प्रीफर ट्रेवलिंग अलोन और विद फैमिली, यानी क्या आप अकेले यात्रा करना पसंद करते हो या परिवार के साथ, तो ऐसे में आप कहेंगे डू यू प्रीफर ट्रेवलिंग अलोन और विद फैमिली। दोस्तों यहां डू का मीन्स होता है क्या, यू का मीन्स होता है आप, प्रीफर यानी पसंद करते हो, क्या आप पसंद करते हो, डू यू प्रीफर, क्या आप पसंद करते हो यात्रा करना, डू यू प्रीफर ट्रेवलिंग, क्या आप अकेले यात्रा करना पसंद करते हो, तो आप कहेंगे डू यू प्रीफर ट्रेवलिंग अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेले। या दोस्तों या को हम कहेंगे और परिवार के साथ, तो परिवार के साथ की इंग्लिश होती है विद फैमिली। क्या आप अकेले ट्रेवल करना पसंद करते हो या परिवार के साथ, डू यू प्रीफर ट्रेवलिंग अलोन और विद फैमिली। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे वॉट इज योर फेवरेट प्लेस। वॉट इज योर फेवरेट प्लेस, आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है, तो यहां वॉट का मीन्स होता है क्या या कौन सा, इज का मीन्स होता है आपका पसंदीदा प्लेस कौन सा है, वॉट इज योर फेवरेट प्लेस। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा क्या आप कभी विदेश गए हो, तो इसकी इंग्लिश होती हैव यू एवर
been to abroad. क्या आप कभी विदेश गए हो? सो दोस्तों हैव यू, ये काम पूरा होने की सेंस के लिए यूज करते हैं. हैव यू एवर बीन, एवर का मतलब यू का मीन्स होता है तुम, हैव काम पूरा दर्शाने के लिए यूज करते हैं. इसका हिंदी होगा यहां क्या तुम. हैव यू एवर का मीन्स होता है कभी, बीन थर्ड फॉर्म होती है, गए हो जा चुके हो. हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड यानी विदेश, विदेश को हम अब्रॉड कहते हैं. अगर आपने कहा क्या आप कभी विदेश गए हो तो आप कहेंगे हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड. सो दोस्तों इस तरह से इन सेंटेंसेस को यूज किया जाता है. आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन. इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. नमस्ते इंग्लिश, आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर.